Hello everyone, welcome to Unique Digital Campus. My name is Pankaj Sharma. So in the very first class, we have discussed something about quant, कि quant को कैसे tackle करना है. तो वहाँ पे मैंने approach बताई थी कि quant is completely based on your percentage and increment decrement concepts. तो आज हम percentage discuss करते हैं कि अगर आपको एक fraction दी गई है, उससे हम percentage कैसे निकालते हैं. We have a different way of evolution of percentage. हम बात करते हैं from the general method to different method. और फाइनली टू डील विद द एग्जाम डायनेमिज्म हम डायरेक्ट मेथड कैसे यूज करेंगे परसेंटेज निकालने का, राइट. तो एक अगर मैं परसेंटेज की बात करूं, फ्रैक्शंस की बात करूं, तो एक फ्रैक्शन है हमारे पास, लेट्स से 15/26. आपको इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, राइट. और अगर मैं ऑप्शंस दे दूं तो यू हैव ऑप्शंस 52/9/13%, ऑप्शन वन. सेकेंड इज 57/9/13%. थर्ड इज 60/9/13%. एंड फाइनली फोर्थ इज 64/9/13%. आपको ये चार ऑप्शन भी दिए गए हैं, ठीक है, जस्ट फॉर द सिंप्लिसिटी. तो हमारा जनरल मेथड क्या करता है, किसी भी परसेंटेज को, किसी भी फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर परसेंटेज से हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है तो हम 100 से डिवाइड करते हैं. तो अभी हम क्या कर रहे हैं, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, देन हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. दिस इज कॉल्ड द जनरल मेथड, जनरल मेथड ऑफ परसेंटेज. तो वेरी फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं जनरल मेथड टू फाइंड आउट द परसेंटेज. तो हम यूज करते थे इसको 1990 के टाइम, अभी भी हालांकि यूज कर रहे हैं, बट काफी आउटडेटेड मेथड है. हम देखेंगे अब नए नए मेथड इवोल्व हो चुके हैं, और अब क्या करेंगे हम परसेंटेज निकालने के लिए आज के टाइम में, क्योंकि डेटा इंटरप्रिटेशन में काफी एक नंबर का क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है, परसेंटेज निकालो अब डायरेक्ट. हम सीधा आंखों से डील करेंगे, आंखों से मारेंगे इस क्वेश्चन को, राइट. जैसे साउथ की फिल्मों में होते हैं ना, आंखों से ही गोलियां मार दी, आंखों से ही गोलियां रोक दी, एग्जैक्टली हम भी ऐसे ही करेंगे. तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज द जनरल अप्रोच, फिर डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोच भी है. तो जनरल अप्रोच सिंपल सी है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, वी मल्टीप्लाई इट विद 100. 100 से मल्टीप्लाई किया, देन कैंसिल आउट हमने किया, इसको दो से काटेंगे तो 2 5 10 0, और 2 8 13 हो गया, और हमारे पास क्या आ गया, 15 5 75, तो 750/13. एंड अगेन इसको डिवाइड किया तो हमारे पास हो गया 13 5 65 10 100 और 13 7 91, और हमारे पास रिमाइंडर बचा 9/13%. तो दिस इज कॉल्ड आर जनरल मेथड, 57/9/13%. तो ऑप्शन नंबर इज सेकंड, राइट. बट इस जनरल मेथड में क्या प्रॉब्लम है, देखो समटाइम्स वी हैव टू यूज द जनरल मेथड, हमें सारे मेथड्स पता होने चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या है, जनरल मेथड यूज करने पे हमारा क्वेश्चन कभी 1 मिनट 1.5 मिनट 2 मिनट में जाके टैकल होता है, बट हम IBPS की बात कर रहे हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन की बात कर रहे हैं, देन वी हैव टू गिव अ मैक्सिमम ऑफ 40 सेकेंड्स पर क्वेश्चन. इससे ज्यादा टाइम देना हमें अलाउ नहीं करता. तो जनरल मेथड हमने डिस्कस कर लिया, देन फाइनली हम अगर नेक्स्ट मेथड की बात करें, उसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन मेथड. अप्रोक्सीमेशन मेथड द सेकंड इज अप्रोक्सीमेशन मेथड. अप्रोक्सीमेट मतलब हम एग्जैक्ट फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं कर रहे, बट कुछ लगभग आसपास ही हम पहुंच रहे हैं, राइट. तो हमारे पास फ्रैक्शन थी 15/26. एक बात बताइए, अगर मैं 15/26 को अप्रोक्सीमेट करूं, जब हम अप्रोक्सीमेशन पढ़ेंगे, मैं आपको पढ़ाऊंगा अप्रोक्सीमेशन कैसे किया जाता है. तो जैसे कोई नंबर है हमारे पास, लेट्स से दिस इज 150, दिस इज 200 एंड दिस इज 100. अगर अप्रोक्सीमेशन की बात कर रही है, हम क्या करते हैं, राउंड फिगर में प्ले करने की कोशिश करते हैं. अगर कोई नंबर हमारा 100 से 150 के बीच में है, राइट, तो हम क्या करते हैं, उस नंबर को अप्रोक्सीमेट करके 100 मान लेते हैं. अगर 150 है तो एग्जैक्टली 150 मानते हैं, और अगर 150 से 200 के बीच में है तो हम उसे अप्रोक्सीमेट करके 200 मान लेते हैं, राइट. एज इट इज अगर मैं 15 की बात करूं, तो 15 को हम अप्रोक्सीमेट कैसे कर रहे हैं, 15 को 15 से ही अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं, राइट. और 26 की बात करूं, 26 कहां लाई करते हैं, 20 से 30 के बीच में, और 20 से 30 के बीच में लाई कर रहे हैं, तो 26 को क्या मैं 30 मान सकता हूं, यस, राइट. अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, देन इट विल कम 1/2, 1/2. हमने क्या किया, अप्रोक्सीमेट कर दिया
अप्रोक्सीमेट करके एक ऐसी फ्रैक्शन निकाल ली जो इजी थी हमारे लिए कैलकुलेट करनी, हमारे पास आ गया 1/2। अब ध्यान से सुने क्या कह रहा हूं, अगर एक किसी भी फ्रैक्शन को मैं एक पर्टिकुलर रेशियो में एड और सब्ट्रैक्ट करता हूं तो हमारी फ्रैक्शन चेंज नहीं होती। मैं रिपीट करता हूं, इफ वी एड और सब्ट्रैक्ट, अगर एक पर्टिकुलर रेशियो में मैं कुछ एड और सब्ट्रैक्ट करता हूं तो हमारी फ्रैक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होती। और अप्रोक्सीमेट करने का हमारा पर्पस क्या है, हम क्या करते हैं अप्रोक्सीमेट में, जो हमारा डिनोमिनेटर होता है इस डिनोमिनेटर को राउंड ऑफ कर लेते हैं। बिकॉज आपने देखा होगा आप कभी किसी शॉप पे जाते हैं या कभी आप चक्की पे जाते हो गेहूं पिसवाने, तो वो क्या करता है वो अप्रोक्सीमेशन में खेलता है। लाइक एक तो उनका चार्ज भी ऐसे रहता है 2-2.5 रुपए per kg, फिर आपका गेहूं का वेट अगर मैं कंसिडर करूं 27 kg 800 g, तो हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है, हम कभी कभी कैलकुलेटर से भी नहीं कैलकुलेट कर पाते। बट वो वेरी क्विक कैसे कैलकुलेट कर लेता है, वो जस्ट अप्रोक्सीमेशन में खेलते हैं, मतलब राउंड फिगर में खेलते हैं। देखते हैं कैसे खेलते हैं। अब मैंने आपको बताया कि एक पर्टिकुलर रेशियो में अगर मैं कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करूं तो उस फ्रैक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होती। अगर मैं डिनोमिनेटर को राउंड फिगर बना लूं, अब ये बताओ हमारे पास 26 है, 15/26 है, अगर राउंड फिगर बनाना है मैंने डिनोमिनेटर को तो हमें कुछ 4 ऐड करना पड़ेगा तभी तो राउंड फिगर में बनेगा, और हम इस रेशियो में इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली ऐड ही कर रहे हैं। तो अगर ये रेशियो हमारा 1:2 है तो क्या 2:4 भी तो 1:2 है भाई। हम डिनोमिनेटर में 4 ऐड कर रहे हैं तो न्यूमिनेटर में, जब डिनोमिनेटर में हम 2 ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो न्यूमिनेटर में हमें 1 ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में 4 ऐड कर रहे हैं तो न्यूमिनेटर में भी तो हमारा 2 ऐड होगा, हो गया ना 1:2, 2:4 इज अगेन 1:2। तो हमने क्या किया, 4 डिनोमिनेटर में ऐड कर दिया तो न्यूमिनेटर में हमारा कितना ऐड होगा, 2 ऐड होगा, राइट। नाउ इट बिकम 17/30, और अगर इसको आप डायरेक्ट परसेंटेज कैलकुलेट करोगे मल्टीप्लाई विद 100, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, अब आपके पास क्या बच गया 170/3, राइट। ये हमारे पास आ गया 170/3, और आपने इसको कैलकुलेट किया तो क्या हो गया 3 × 5 = 15, 20 × 3 = 18 और 2 = 2/3%। मतलब क्या हुआ, हमने बताया ना कि दिस इज अप्रोक्सीमेशन मेथड, हमने अप्रोक्सीमेट खेला। और अगर आपको ऑप्शन ध्यान थे तो हमारे पास ऑप्शन थे 52/9/13, देन 57/9/13, देन 69/13 एंड 64/9/13। तो कहाँ देखो इस नंबर के आसपास कौन सा नंबर है, 56/2/13 के आसपास हो गया ना, 57/9/13 आ गई सेम परसेंटेज की वैल्यू, यस और नो, करेक्ट। तो दिस इज कॉल्ड आर अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो हमने अभी डिस्कस किया जनरल मेथड, हमने डिस्कस किया अप्रोक्सीमेशन मेथड, अब हम तीसरा कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं इसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मेथड। ऑप्शंस ध्यान में रखना आप, ठीक है। तो व्हाट इज इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मेथड, मैं लिख दूं नंबर थ्री इज इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, मतलब घटाना और बढ़ाना, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट कॉन्सेप्ट या मेथड। हमने क्या किया, देखो ये हमारे पास 15 था, यहाँ पे 26 था। अब एक बात बताओ, अगर मैं 26 को 27 मान लूँ, क्या ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, या डेफिनेटली कैंसिल आउट होंगे। कितने में कैंसिल आउट होंगे, 3 × 5 = 15, 3 × 9 = 27, तो इट बिकम 5/9। और जब हम परसेंटेज पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको डायरेक्ट फ्रैक्शन भी याद करनी है कुछ नंबर्स की, लाइक आपको डायरेक्ट परसेंटेज भी याद रखनी है, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, राइट। तो 1/9 हमारा होता है 11.11% एग्जैक्ट, तो 5/9 कितना हो जाएगा, 5 × 1/9, राइट। तो हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन इट विल बिकम 55.55%, राइट। तो 5/9 हमारा क्या हो गया, 55.55%, राइट। अब एक बात बताइए, हमने कैलकुलेट तो किया 15/27, बट हमें क्या कैलकुलेट करना है एक्चुअल में, 15/26 ना। अब एक समझो कॉन्सेप्ट, समझो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 15/26 एंड 15/27। आप कहोगे सर डिनोमिनेटर का डिफरेंस है। अब एक बात बताइए, जितना डिनोमिनेटर हमारा बड़ा उतनी फ्रैक्शन छोटी होती है हमारी, यस। तो
तो देखो यहां पे डिनोमिनेटर बड़ा है मतलब ये फ्रैक्शन हमारी छोटी है, ये फ्रैक्शन हमारी छोटी है मतलब ये फ्रैक्शन हमारी बड़ी है, मतलब हमारा एक्चुअल रिजल्ट 55.55% से कुछ ना कुछ ज्यादा होगा, 55.55% से कुछ ना कुछ ज्यादा होगा, राइट। और हमने क्या किया, हमारे पास ऑप्शन क्या थे, 52 सही 9/13, राइट, 57 सही 9/13, देन 60 सही 9/13, और फाइनली हमारे पास क्या था, 64 सही 9/13। तो बताओ एक ही ऑप्शन है ना जो 55.55% से ज्यादा है, 67.93, और इसी के आसपास भी होगा, राइट। तो ये भी अगेन अप्रोक्सीमेट मेथड है, हमें एग्जैक्ट नहीं जाना होता, हम देखेंगे जब अप्रोक्सीमेशन करेंगे, हम क्वांट पढ़ेंगे तो हम यूनिट डिजिट 10 डिजिट से ही अपने आंसर्स कैलकुलेट करेंगे, कभी कभी हम क्वेश्चन ही सोल्व नहीं करेंगे, हम ऑप्शन से यूनिट डिजिट देख के हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो आपको जनरल मेथड बता दिया, आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मेथड बता दिया, आपको अप्रोक्सीमेशन मेथड बता दिया, नाउ फाइनली डायरेक्ट मेथड, वो बता रहा था ना जो मैं, हम आंखों से देख के मारना है, हम अब इसको आंखों से देख के मारेंगे। 15/26 क्या है, देखो फ्रैक्शन का मतलब होता क्या है, मैं आपसे पूछूं व्हाट इज दिस फ्रैक्शन, 15/26 फ्रैक्शन में मतलब होता है जो डिनोमिनेटर है वो हमारी पूरी क्वांटिटी है और डिनोमिनेटर का कुछ पार्ट न्यूमिनेटर में है, राइट। अगर मैं बात करूं 1/2 मतलब हमारे पास पूरी क्वांटिटी कितनी है, 2, और 2 का हम कितना हिस्सा ले रहे हैं, 1 हिस्सा ले रहे हैं, तभी तो 50% आता है ना, कि 2 का 1 हिस्सा ले लिया 50%, यही हमारे पास क्या है, फ्रैक्शन, राइट। तो अब हमने क्या निकालना है कि 15 इज व्हाट परसेंट ऑफ 26, राइट, 15 26 का कितना परसेंट है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 26 का 10% कितना होगा, आप क्या कहोगे डायरेक्ट बिना देखे, 26 का 10%, वैसे थोड़ा सा जनरली हम बताते हैं कि 26 का 10% कैसे निकालते हैं, 26 का 10/100, 0 से 0 कैंसिल आउट, मतलब 26/10 इज 2.6, मतलब 26 का 10% कितना हो गया, 2.6। तो मैं अगर इसको ऐसे लिखूं कि हमने क्या किया, 26 का 10% निकाला, देखो 10% निकालने के लिए हमने क्या किया, यूनिट डिजिट के बाद एक पॉइंट लगा दिया, तो मैं कह रहा हूं कि 26 का 10% होता है हमारे पास 2.6, राइट। अब हमें क्या चेक करना है कि 15/26 का कितना परसेंट है ना, 15/26 का, अब मल्टीपल ले लो, 10% और 10% इज 2.6, अब इसका मल्टीपल ले लो जो 15 के पास पहुंच जाए, अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं बोथ साइड, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10/50% इज इक्वल टू 6/30 की 0, आंसर 3, 5 × 10 = 13, तो 13.0, मतलब 13। तो मैं कहूं 26 का 50% 13 होता है, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, अच्छा डिनोमिनेटर में 26 है उसका 50%, मतलब इसका आधा, तो 26 का 50% कितना होता है, 26 का 50% भैया हमारे पास 13 होता है, ये तो डायरेक्ट हम निकाल ही सकते हैं, हमें इतना बड़ा तामझाम भी नहीं करना, ठीक है, पर जनरली हमें ऐसा चलना पड़ेगा, ये जब आपको समझ आएगा तभी आप डायरेक्ट कर पाओगे, कभी कभी 10% चाहिए, हमें 1% भी चाहिए, राइट। तो हमने क्या किया कि 26 का 50% होता है 13, लेकिन हमें तो 15 चेक करना है ना, 15 चेक करना है। अब मैं कहूं कि 26 का 10% 2.6 था, अब आप 26 का 1% बता दो, 1% निकालने के लिए आप क्या करोगे, 1/100, करेक्ट, या हाँ नहीं, 1% नहीं, हम 10% करेंगे, सॉरी, ठीक है। तो मैं कहूं 26 का 10% अगेन 2.6, आपको बताया कि 10% होता है 2.6, ठीक है, और आपके पास आ गया 26 का 50% 13 होता है, राइट। अगर मैं 13 में 2.6 ऐड कर दूं तो इट विल बिकम 15.6, मतलब 15 से कुछ ज्यादा हो गया, और यहां पे भी 2.6 ऐड किया, मतलब 10% ऐड होगा, तो हमारे पास क्या आ गया कि 26 का 60% इज 15.6, 26 का 60% इज 15.6, और आपको तो 15 चाहिए था ना, मतलब आपको सॉर्ट आउट हो गया कि जो आपका रिजल्ट होगा वो 60% से थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि हमें 15 चाहिए, 15 कब आएगा, जब इसमें से हम 0.6 सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट। तो हमें क्या पता लगा यहां से कि हमारा 15/26 वो 60% से कुछ कम होगा, और 60% के लगभग आसपास होगा, 57 भी हो सकता है, 58 भी हो सकता है, हमें एग्जैक्ट तो चेक करना नहीं है,
और हमारे पास ऑप्शंस क्या थे, 52 सी 9/13, 55 सी 9/13 या 57 सी 9/13, 60 सी 9/13 और 64 सी 9/13, करेक्ट। तो हमारे पास रिजल्ट कितना, 60 से कम कौन सा है और 60 के आसपास 57 सी 9/13, बस दिस इज हमारा जनरल मेथड। तो अब इसी को हम वेरी क्विक अगर सोल्व करें, अगर इसी को हम एक सेकेंड तो इसी को हम वेरी क्विक सोल्व करें, हम क्या कर रहे थे, हमें पता है कि हमें 15/26 चेक करना है, तो आपने क्या किया, 26 का हाफ ले लिया, 26 का हाफ ले लिया, सॉरी हमें क्या करना है, 15/26 चेक करना है, है ना, हमें क्या पता लगा, अरे तो हमें 15/26 चेक करना है, हमने क्या देखा कि जब 26 का हाफ मतलब 50% कर दें, 50% हमारे पास आ रहा है 13, राइट 13, राइट, और 26 का 10% कितना होता है, 26 का 10% इज 2.6, है ना, और अगर 50% में हम 10% ऐड कर दें मतलब 60% हमारा कितना हो जाएगा, 13 में 2.6 ऐड कर दो तो कितना हो गया 15.6%, तो 60% इज 15.6% नहीं आएगा, तो 60% इज 15.6, हमें 15 चेक करना है, तो 15 क्या हो गया 60% के पास और 60% से थोड़ा सा कम, तो ऑप्शन से हमारा टैकल हो रहा था, तो कितना टाइम लगा इसमें, हार्डली 20 सेकंड, ठीक है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आप इजीली टैकल कर पाओगे। तो हमने चार मेथड पढ़े, फर्स्ट इज जनरल, मैं लिख देता हूं यहां पे, द वेरी फर्स्ट इज जनरल मेथड, जनरली जनरल मतलब वो हर जगह अप्लाई होता है। द सेकेंड इज अप्रोक्सीमेशन मेथड, अप्रोक्सीमेशन मेथड, थर्ड इज इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट मेथड, और फोर्थ इज डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड मतलब रजनीकांत मेथड, ठीक है, यहां पे लिख दो रजनीकांत, डायरेक्ट आंखों से मारना है, होता है ना साउथ के हीरो आपने देखे होंगे, हाथ से ही पकड़ ली गोलियां, आंखों से ही मार दिया, तो डायरेक्ट मेथड इज अ रजनीकांत मेथड। तो मोस्टली अगर मैं बताऊं, एक तो जनरल मेथड कभी कभी अप्लाई हो जाता है, कभी कभी क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम जब आपको डिनोमिनेटर में 2 जीरो दिख रही है, 1 जीरो दिख रही है, फटाफट काटो, और डायरेक्ट मेथड आज की डिमांड कह रही है कि आप जितना डायरेक्ट मेथड यूज करोगे उतना ही बेनिफिशियल है, ठीक है। हाँ, अप्रोक्सीमेशन मेथड, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट थोड़ा सा ट्रिकी पड़ सकता है, बट इन दो को यूज कम कीजिए, बट आना चाहिए आपको, राइट। तो जनरल मेथड हमेशा दिमाग में रखिए और डायरेक्ट मेथड हमेशा रजनीकांत मेथड दिमाग में रखिए। तो ये हमारा काफी अच्छा कॉन्सेप्ट था, मुझे बड़ा मजा आता है ये डायरेक्ट मेथड यूज करने में ना, वेरी क्विक क्वेश्चन हमारे हो जाते हैं। हम देखेंगे इंक्रीमेंट के केस में, डिक्रीमेंट के केस में परसेंटेज हम निकालेंगे, ठीक है। और तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।